संसदीय सदस्यता खत्म होने के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने शनिवार को तुगलक रोड स्थित अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने बंगले का दरवाजा खुद लॉक किया, लोकसभा के स्टाफ को चाबी दी और वहां मौजूद सभी लोगों से हाथ मिलाया। इस दौरान राहुल के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद के लिए निकल गए। वे अब यहीं रहेंगे, यही उनका नया पता होगा। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और हमेशा चुकाते रहेंगे। जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है भाई, मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है, कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है, आम तौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे एक महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था 19 साल में, मुझसे छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। बता दे, अमेठी से 2004 में सांसद चुने जाने के बाद साल 2005 में उन्हें ये बंगला मिला था। वे तभी से इस बंगले में ही रह रहे थे, इन्हें यहाँ रहते हुए 19 साल हो गए हैं। अब उन्होंने सदस्यता रद्द होने के बाद ये बंगला खाली कर दिया है। दरअसल 2019 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उन पर मानहानि का केस डाला था, जिस पर गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद राहुल की संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी गई और इसीलिए राहुल ने अब ये सरकारी बंगला खाली करा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, यूपी।